नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की कढ़ी। आइए कढ़ी बनाना स्टार्ट। कढ़ी बनाने के लिए हमने ये कटोरी बेसन लिया है। पहले हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे। हमने आधी कटोरी से ज्यादा बेसन निकाल लिया है पकौड़ी बनाने के लिए, और ये आधी कटोरी से कम बेसन हमने रखा है कढ़ी बनाने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हमें तब तक फेंटना है जब तक कि फूल ना जाए। ये बेसन हमारा फूल गया है, इसको हम चेक कर लें एक बार। देखिए पानी में ऊपर आ गया है, बेसन हमारा फूल गया है। अब इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। यह आयल हमने पहले से रख दिया था, गरम हो गया है। सरसों का आयल है। अब इसमें हम पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी हमारी एक तरफ से सिक गई है, इसको हम पलट देंगे। इसको हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। पकौड़ी हमारी सिक गई है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने दो कच्चे आम लिए हैं, इसको हमने धुल के अच्छे से काट लिया छोटा छोटा। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 चम्मच। ये आम का पेस्ट हमने बना लिया है। अब इसमें जो हमने बेसन बचाया था उसको डाल देंगे। अब इसमें हम आधा गिलास कम से कम पानी डालेंगे। अब बेसन और अब कच्चे आम को हम मिक्स कर लेंगे। आम और बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जिसमें हमने पकौड़ी वाला बेसन घोला था उसी में इसको हम डाल देंगे। इसमें हम 2 गिलास पानी और डाल देंगे। कढ़ी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली जैसी अच्छी लगे वैसे बना सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे हल्दी कलर के लिए। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। हमने पहले से रख दी है। इसमें 2 टेबल स्पून हमने आयल डाल दिया है।
अब इसमें हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे जीरा, 2 खड़ी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और 1/2 टीस्पून राई दाना डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भून गया है, अब इसमें हम जो घोल हमने बनाया था उसको धीरे धीरे करके डाल देंगे। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। कढ़ी में उबाल आ गया है, ये अच्छे से उबलने लगी है। अब इसमें हमने जो पकौड़ी बनाई थी उसको डाल देंगे। 2-3 मिनट तक इसको हम और उबाल लेंगे, फिर ये कढ़ी हमारी बन जाएगी। कढ़ी हमारी बन गई है, गैस हम ऑफ कर देंगे। पकौड़ी अच्छे से फूल गई है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये कढ़ी बन के हमारी रेडी है, अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून ऑयल रख दिया है, इसमें हम थोड़े से डाल देंगे करी पत्ता। अब गैस हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये आम की कढ़ी बनके हमारी रेडी है। आप लोगों को हमारे कच्चे आम की कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक।